गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में आपको लिंग संबंधित और भारतीय समाज में लिंग संबंधित असमानता के बारे में बताया था, मैंने ये भी बताया था कि समाज में तीन तरह के जो है असमानता जो है हमें दिखाई देती है, एक लिंग पर आधारित, दूसरा जाति पर आधारित और तीसरा आपका धर्म पर आधारित, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लिंग पर आधारित असमानता के बारे में बताया है। चलिए आज इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। बोरा की ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। हम सभी लोग जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि महिलाओं के साथ जो है वो समान व्यवहार नहीं होता है, और इसलिए महिलाओं का ये मानना है कि जब तक राजनीति में उनको उचित भागीदारी नहीं मिलेगा, तब तक उनकी समस्याओं का निपटारा जो है वो नहीं हो सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, यानी लोकसभा और राज्यसभा में उनकी सीट जो है वो और ज़्यादा की जाए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधि की अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में ही 12% तक पहुँच सकी। राज्यों के विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम है, और हम देखेंगे तो विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे इनकी संख्या जो होती है वो काफ़ी कम बताई जाती है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का वर्चस्व जो है वो बना रहता। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। अगर हम लोग इस समस्या से अगर उसको दूर करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि कानूनी रूप से इनको जो है वो उचित हिस्सा जो है वो दे देना चाहिए। अगर हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। ये आपका पंचायत और नगर पालिका के अंदर उनकी जो भागीदारी जो है वो लोकसभा और विधानसभा दोनों की हिस्सेदारी से काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से ये लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और ये पास नहीं हो सका है। वो रहा है कि लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। वो रहा है कि लैंगिक विभाजन एक ऐसा मिसाल है जिसे एक खास सामाजिक विभाजन का राजनीतिक रूप देना जरूरी है। अगर हम लोग इस सामाजिक विभाजन को अगर राजनीतिक रूप देंगे तो हो सकता है कि महिलाओं को राजनीति में उचित भागीदारी जो है वो प्राप्त हो सके। इससे ये भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। अगर हम लोग कोई भी सामाजिक मुद्दा जो है जब उसको हम लोग राजनीतिक रूप दे देंगे तो हो सकता है कि इससे उन लोगों को फायदा होगा। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मामला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उसको लाभ मिल पाना?
संभव था? नहीं। तो यहाँ पर आपका लिंक खत्म हो रहा है। चलिए, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। बोल रहा है कि आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतर पर आधारित विभाजन की। बोल रहा है कि ये विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। जिस तरह से हमने लैंगिक विभाजन देखा, जो कि सार्वभौम है, यानी पूरे समाज में ये दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि धर्म के अंदर इस तरह की सामाजिक असमानता हमें सभी जगह नजर आएगी। बोल रहा है कि भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा कि अगर एक धर्म को माने लेकिन उसकी एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग हो, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। एक ही धर्म माने मगर हमारी उनकी जो पूजा पद्धति जो होती है वो थोड़ी अलग होती, तो उससे भी एक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। अगर हम लोग राजनीतिक रूप अगर देखें या राजनीतिक मैदान देखें, तो वहाँ पर लैंगिक विभाजन के जगह पे धार्मिक मुद्दा जो होता है, धार्मिक विभाजन जो होता है, उसे ज़्यादा पेश किया जाता है इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। बोला कि जरा इन चीज़ पर गौर करें। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी जी का मानना था कि कभी भी धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म से उनका मतलब ये नहीं था कि हिंदू या इस्लाम, बल्कि नैतिक मूल्यों से था। नैतिक मूल्य जो था, जो कि सारे धर्मों का एक ही होता है नैतिक मूल्य, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में कुछ और बताया जाता है और इस्लाम धर्म में या सिख धर्म में कुछ और बताया, यानी धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब कि नैतिक मूल्य को राजनीतिक से अलग नहीं किया जाता है। उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। दूसरा, अपने देश के मानव अधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। जो सांप्रदायिक दंगा होता है, संप्रदाय को लेकर जो आपसी मतभेद होता है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान होता है तो होते हैं अल्पसंख्यक। तीसरा, आपका महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इन सारों धर्मों के अंदर पारिवारिक कानून के तहत महिलाओं से भेदभाव किया जाता है। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार इन कानूनों को सफलतापूर्वक समानता, समता मूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि पहले महिलाओं को जो संपत्ति होती थी उसके अंदर उनको उचित हिस्सेदारी जो थी वो नहीं दी जाती थी, परंतु अब जो है, अब उनको उचित हिस्सेदारी जो है वो मिलती है। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते हैं। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। जो भी बोल रहे हैं कि धर्म और राजनीति से जुड़े, धर्म या राजनीति से जुड़े जो मूल्य होते हैं, जो उनके महत्व होते हैं, वो हमेशा से फायदेमंद होते हैं, और हो सकता है कि वो एक अच्छी व्यवस्था जो है वो आपको बना के दे सकती है। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतें, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी लोगों को, किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे किसी भी धार्मिक समुदाय के लोग हों, उनको अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी मांगों को, अपने हितों को या अपनी ज़रूरतों को वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उठा सकते हैं। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हैं, उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए। अगर वो किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है, तो उसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है, तो उससे उसके ऐसे कामों को कोई बुराई नहीं है। सोच में कोई समानता दिखती है, तो ये ऊपर, बस इतना ही आज रहने दीजिए।
ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो थोड़ा टेढ़ा है, तो मैंने आपको धर्म के बारे में बताया कि धर्म जो होता है वो थोड़ा लैंगिक विभाजन से अलग है, कि लैंगिक विभाजन जो है वो सार्वभौम है, ठीक है, और धार्मिक और सम विभाजन जो है वो आपको सार्वभौम नहीं मिलेगा। और जैसे सार्वभौम नहीं है, और जिस तरह से हम लोग ने उत्तरी आयरलैंड के अंदर देखा, उत्तरी आयरलैंड के अंदर देखा कि वहाँ पे एक ही धर्म के मानने वाले लोग थे, परंतु उनकी जो पूजा पद्धति जो है वो थोड़ी अलग है, जिससे एक जो है भेदभाव जो है वो उत्पन्न होता है। और अगर हम लोग देखें तो धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, जैसे उनमें प्रमुख है गांधी जी, उनका ये मानना है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग जो है वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोग जो है राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से वो अपनी जरूरतों या हितों को पूरा करने की मांग जो है वो उठा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखना जो है उचित नहीं है, इससे हमें फ़ायदा ही होगा। हाँ, इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर राजनीतिक पार्टी जो है इन धार्मिक मुद्दों को अगर गलत ढंग से उठाते हैं तो सांप्रदायिक दंगा होने की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, कल हम लोग आगे का टॉपिक सांप्रदायिकता जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।